ये हिंदुस्तान है और एक फैसला आपको करना है। ठीक है कि फिजा ठीक नहीं, मालूम है कि माहौल डर का है, पर सूरत सन्नाटे की आहट सुनी हमने, धुकधुकी है छाती के भीतर, फिक्र है बुजुर्गों की बच्चों की, दुकानें बंद हैं, सड़कें वीरान हैं, दूसरे शहर में पड़ी माओ की रातें करती हैं साए साए, कोई घर नहीं आता, दोस्तों को भींच लेने को तरसती हैं बाजुएं, बूढ़ी दादी कहती हैं मुलुक को किसी की नजर लग गई, डर लगता है ना। पर वो बता रहे हैं कि सफेद कोट पहनने वाले कुछ पढ़ाकुओं ने प्रयोगशालाओं में जान दे रखी, वो बता रहे हैं कि महज कुछ हफ्तों की कैद के बाद कई दिशाओं से आ रही है राहत की महक, वो बता रहे हैं कि स्पेन में सलाखें तोड़कर बालकनियों से निकला है एक संगीत, उम्मीदों के रोशनदान अब भी खुले हैं, जो कैद में हैं वो ये संगीत सुन रहे हैं। कोई मुल्क है दुनिया के किसी कोने में डेनमार्क करके, जहां सरकार ने सेठों से कहा है कि वे नौकरियां न लें, तनख्वाह हमसे ले लें। मेरे पड़ोस की एक बच्ची ने फोन कर दिया है अपने दोस्तों को, कोरोना चला जाएगा तो फिर से खेलेंगे चोर पुलिस का खेल। सारी दुनिया सख्ती और नरमी दोनों का सही इस्तेमाल सीख रही है, सारी दुनिया में लोग इस बीमारी से सबक ले रहे हैं, सारी दुनिया समझ चुकी है कि ये लड़ाई बंदूकों और जहाजों की नहीं, धीरज और प्रेम की। और ये हिंदुस्तान है जिसने सब देखा हुआ है, बंगाल के अकाल से भुज के भूकंप तक, सुनामी पुनामी सब झेली हुई, बस जिगरा चाहिए, करुणा चाहिए। देखना बहुत जल्द होगा, जब दफ्तर की सारी थकाने हारेंगी, जब मिल बैठेंगे कई साल पुराने दोस्त, फिर से आसमां गुलाबी होगा, मंदिरों की घंटियों से, अजान के स्वरों से, सड़कों पर लकड़ी की डंडी से टायर दौड़ाते बच्चे लौटेंगे, लौटेगा कीर्तन को जाती औरतों का शोर, और गोलगप्पे वाले को 10 का नोट पकड़ाती लड़कियां। ये सब विराम चिन्ह है हमारे भागते हुए शहरों के, ये सब लौटेंगे। बस ये हिंदुस्तान है और आपको एक फैसला करना है, फैसला एकांत के अभ्यास का और अपने समाज पर विश्वास का। बसंत कोई प्लेन या ट्रेन में बैठकर नहीं आता, वो चला आएगा आपके बंद पड़े घर की खुली हुई खिड़कियों से। कुछ दिन घर में रहिए जहां अपने रहते, पुरानी किताबों की धूल झाड़िए जरा, अलमारी पर चिपकी बिंदियों का गोंद छुड़ाइए जरा, डर है तो हो पर नफरत ना हो, कैद है तो हो अकेलापन ना हो, शक है तो हो स्वार्थ की जगह ना हो, बीमारी है तो होगी अपनी जगह आत्मा बीमार ना हो। तो जाइए पहले हाथ धोवाइए और पड़ोसी को फोन करके वाईफाई ले लीजिए और चिल्लाइए खिड़कियों से, या धुन बनाकर गाइए इसे कि किसी का हाथ छूना नहीं है पर किसी का साथ छोड़ना नहीं, और कल जब सब कुछ खुलेगा तो देखना हमारे इन्हीं आसमानों में उड़ते हुए पंछी कहेंगे कि कमबख्त इंसानों की इस जिद्दी जात ने एक लड़ाई और जीती।